20 अप्रैल से टोल वसूली शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्टरों में सरकार के इस फैसले से काफी रोष है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ट्रेड वैसे ही काफी मुसीबतों से गुजर रहा है, ऐसे में टोल वसूली को फिलहाल आरंभ नहीं करना चाहिए। देश की तमाम ट्रांसपोर्ट संस्थाएं जैसे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, टोलवा, चालकों की ब्रदर ग्रुप्स व अन्य संस्थाएं सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और सरकार के इस फैसले को ट्रेड के लिए बहुत ही नुकसानदायक बता रही हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यदि टोल नाकों पर एक भी व्यक्ति संक्रमित पहुंच गया तो उससे तमाम चालकों को खतरा बढ़ सकता है। इससे संक्रमित आंकड़ों में इजाफा हो सकता है और इसका जिम्मेदार फिर चालकों को ही समझा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चालकों के लिए बीमा करने की बात भी ट्रांसपोर्टर सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि वह पुलिस डॉक्टरों की भांति देश की सेवा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है ट्रांसपोर्ट संस्थाओं के सदस्यों का। सरकार पता चला है कि 20 तारीख से दोबारा टोल टैक्स चालू कर रही है, जो कि बहुत ही ट्रांसपोर्टर से धक्का है। अभी छूट होनी चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्टर पहले ही टूटे हुए हैं, कई दिनों की कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, तो सरकार के जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वो मुहैया भी कराते रहे हैं ट्रांसपोर्टर। सरकार को भी इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ये अभी टूटे हुए हैं, अभी टोल टैक्स चालू ना करें और डीजल में भी कम से कम 5-7 रुपये की रियायत दें ताकि इनको ट्रांसपोर्टरों को सुविधा मिल सके। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपया ड्राइवरों का भत्ता देना किया है महीने का, ऐसे ही ऑल इंडिया में, हरियाणा में सारे मुख्यमंत्री ये आर्डर करें, ड्राइवरों को सुविधा दें, जो कोरोना से डरे बिना हर चीज़ मुहैया कराई जिन्होंने और कराते भी रहेंगे, इनके लिए सरकार सोचे और अभी टोल टैक्स ना लगाए, चालू ना कराए टोल टैक्स। यही हमारी विनती है नितिन गडकरी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि अभी ट्रांसपोर्टर टूटे हुए हैं, डीजल में भी कुछ रियायत दें ताकि महंगाई थोड़ी कम हो सके, जनता को हर चीज़ सही रेट में मिल सके, अभी टोल टैक्स चालू ना किए जाएं, ये निवेदन। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं अनिल भाटी, भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन गुड़गांवा की तरफ से सरकार से अपील करता हूं कि जो हमारे ड्राइवर इस कोरोना के टाइम पे सभी जगह एक दूसरी जगह से गाड़ियों से माल लेके जा रहे हैं, उन ड्राइवरों का भी 20-20 लाख रुपये का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं, तो सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे अगर किसी ड्राइवर को कुछ होता है तो सरकार उसकी मदद करे। धन्यवाद।